व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो शादी सीजन तो अभी चल ही रहा है एंड जब भी मेरे को साड़ी पहननी होती है ना, मेरे को लगता है कि मैं कितने ही चार चांद लगा लूँ साड़ी में या फिर कितनी ही महंगी साड़ी ले लूँ, हमेशा वो सेम ही दिखने वाली है यार। एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि मैं कैसे उसको यू नो थोड़ा डिफरेंट एंड अतरंगी बना पाऊँ। तो इस बार मेरे को ऑनलाइन बहुत ही डिफरेंट कुछ मिला है, आओ एक साथ देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरे को मिला है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुकिंग पॉन्चो स्टाइल वाला ब्लाउज। आई नो ये अकेली चीज़ नहीं है, इसके साथ वी हैव टू डू आर ओन स्टाइलिंग, लेकिन इसको पास से देखो यार, इतनी इंट्रिकेट डिटेलिंग, बिल्कुल ही ऐसे डिजाइनर सा पीस लग रहा है। ऑल ओवर वर्क है पर्ल्स एंड राइनस्टोन्स का। एंड ये पॉन्चो ब्लाउज मेरे को मिला है 800 रुपये का। भाई साहब आई नो अगर मैं किसी डिजाइनर पे जाऊंगी ना, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा महंगी मिलने वाली है, लाइक हजारों में। ऑब्वियसली वी नीड मनीज हेल्प। ऐसा करते हैं, मैं बाल बांधती हूं तो ये पकड़। टीम वर्क, हम है तैयार। ओके ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अच्छा बंधे नहीं क्या? ये छोटे बड़े बाल, ओ माई गॉड यार, ये बिल्कुल ही महारानी वाला पीस लग रहा है। मजे यार, मेरे को तो लग रहा है ये कैमे टॉप और जीन्स के साथ भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। जस्ट सेइंग, लाइक ऐसे इंडो वेस्टर्न लुक नहीं आ रहा, ऐसे डिफरेंट सा, लेकिन हम अपना स्टाइलिंग करेंगे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। ओके तो हमारे पास जो भी घर में रखी हुई साड़ियाँ हैं ना, हम उससे ही काम चलाने वाले हैं। यस, तो मेरे को ये वाली रेड साड़ी मिली, इसके नीचे से पर्ल डिटेलिंग है, मेरे को लग रहा है इस वाली पर्ल डिटेलिंग के साथ जाएगा। मैं बड़ी हुई हूँ इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ, मतलब मैंने मेकअप करना इस चैनल पर सीखा है एंड मैंने साड़ी भी पहनना इसी चैनल पर सीखा है। मैंने इतनी बार ट्राई कर लिया साड़ी, आई एम अ प्रो नाउ। तो ये साड़ी का पल्लू है वो इस ब्लाउज के नीचे जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जो ब्लाउज जो पॉन्चो है वो शो स्टीलर शो स्टॉपर है, यही हमारी सारी अटेंशन ग्रैब करने वाला है। एंड एक हल्की फुल्की प्लेन साड़ी के साथ पहनने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसके साथ ही अटैच कुछ चीज़ आई है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा या फिर एक्स्ट्रा भी नहीं लग रहा यार, ये बहुत ही नेचुरली ब्लेंड इन हो रहा है पूरी साड़ी के साथ। एंड मैं तो कह रही हूँ रेड छोड़ो, तुम और भी डिफरेंट कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अभी बाल ऊपर में ये कुछ उस तरीके से लग रहा है, लाइक मैंने बस एक कैमी टॉप पहना है अंदर वाइट कलर का इससे मैच होते हुए एंड दैट्स इट। तो लाइक अ प्लेन साड़ी, अ प्लेन कैमी टॉप एंड यू आर डन, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन अ ग्रेट एक्सेसरी। एंड मेरे को बिल्कुल ना सच बता रहे हो, सभ्यसाची वाली वाइब आ रही है, लाइक इतना रॉयल प्रीमियम फील आ रहा है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी लो क्वालिटी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा उमदा लग रहा है। रियल लाइफ में कैमरे में मैं जस्टिस नहीं करवा पा रही हूँ। आज मेरे पास जितनी भी मेरी यूनिक पुरानी साड़ियाँ रखी हुई है ना, जो कि सिर्फ रखी ही हुई हैं, क्योंकि एक बार पहन लिया दोबारा पहनूंगी तो सेम ही लगने वाली है, क्या पॉइंट है। लेकिन आज हम उन्हें बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिक बनाने वाले। तो साड़ी तो मेरी ये रही एंड ये रहा हमारा पॉन्चो ब्लाउज, इतना ज़्यादा प्यारा, इतना स्पार्कली, ओ माय गॉड। अगेन ये भी ऐसे नेट फैब्रिक में है एंड इट्स क्वाइट लाइट वेट। तो इस वाले के लिए मैंने एक नॉर्मल प्लेन ब्लैक कैमी ही पहना हुआ। आई लव कि अंदर तुम्हारे बेसिक्स काम आने वाले बहुत ही आराम से, लाइक हु वुड हैव थॉट कि लाइक ऐसे पार्टी फंक्शन स्पेशली वेडिंग में तुम ऐसे बेसिक पहन के जा रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड अभी से धूप पड़ रही है इस पर, इतना मस्त शाइन ब्लिंकी कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये वेस्टर्न वेयर या फिर ऐसे एक ब्लू कलर का प्लाजो पहन लो सिर्फ, एंड ऐसे इंडो वेस्टर्न भी बन सकता है, अभी मेरे पास है नहीं ब्लू प्लाजो, लेकिन हम साड़ी पहनेंगे। इसके अंदर जाने वाला है सब कुछ। माय गॉड एक सेकेंड, अंडा लग रही हूँ मैं बाल ऊपर बांध के, एक सेकंड अभी सुंदर बन के दिखाती हूँ मैं, रुक जाओ। आई जस्ट लव कि मेरे पैसे जो कि 650 रुपये इस पॉन्चो पे लगे हैं वो वसूल हो गए हैं। क्या मस्त ब्लू इस ब्लू के साथ प्रॉपर मैच कर रहा है। तो जो ये पॉन्चो वैसे मैंने मंगवाए हैं ना मीशो से, ये मैंने बहुत ही रैंडमली मंगवाए, मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि ओ मेरे पास ब्लू कलर की साड़ी है तो मैं से ब्लू वाला मंगा लेती हूँ। जो मुझे सुंदर लगा कि हाँ कुछ स्टाइलिंग हो जाएगी वो मैंने मंगा लिया एंड ऑटोमेटिकली मेरे एग्जिस्टिंग साड़ियों के साथ यू नो मैच कर पा रहे हैं वो, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड इसमें कोई भी साइजिंग नहीं है, लाइक ये फ्री साइज है, तो गला एंड लेंथ एंड पूरा जो भी शेप वगैरह है वो एक फ्री साइज ही है, तो आई गेस सबको ये फिट आ जाएगा। पीछे से कुछ इस तरह, आई लव ऐसे ये फॉल हो रहा है, ऐसे हाई लो वाला इफेक्ट है, ये मैं खुद ही सरप्राइज हो रही हूँ। तुम्हें लग रहा है ये चमक रहा है, मानी ने ये उल्टा पहनाया है, मैंने जस्ट रियलाइज किया, बट ये उल्टा होगा। ये बहुत अच्छा स्पार्कल शाइन कर रहा है यार, ये उल्टा भी इतना शाइन कर रहा था, लाइक बिल्कुल ऐसे रॉयल वेडिंग में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस कोई इनवाइट नहीं कर रहा। तुम्हें पता है एक भी शादी का इनवाइट नहीं आया मुझे लग रहा है सबको हमारी शादी का इंतजार है।
कोई बात नहीं, हम ऐसे वेडिंग क्रैश करेंगे ऐसे सुंदर सुंदर बन के, कोई हम पे शक नहीं करेगा. वैसे जितनी भी साड़ीज अभी हम ट्राई कर रहे हैं ना, वो आई डोंट नो हाउ थोड़ी सी एक्स्ट्रावेगेंट लग रही हो, लेकिन जितने भी पोंचोस और ब्लाउजेस अभी हम ट्राई कर रहे हैं एंड अभी करने वाले हैं, उनका मेन पर्पज देखो यही है कि बेसिक टू बेसिक प्लेन साड़ी या फिर कोई भी आउटफिट अगर तुम वेस्टर्न वेयर में जा रहे हो तो उसको एलिवेट कर देना. ये वाली जो साड़ी है ये साड़ी बनी भी नहीं हुई है, लाइक ये एक फैब्रिक है वो रखा हुआ है इतने टाइम से मेरे वार्डरोब में एंड इसको अब हम फाइनली साड़ी की तरह पहन रहे हैं. ये ऑलरेडी एज इट इज भी कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है, लेकिन अभी तो हमें और यू नो एक्स्ट्रा करना ही है, वही तो वाइब है. वाह, ये तो और ऐसे बड़ा वाला है. ये पूरा कॉस्ट्यूम लग रहा है एंड इन फैक्ट ये पूरा कवर कर रहा है मेरी बॉडी को. ओह या, इसमें एक सेकेंड एक्स्ट्रा बीट्स दे रखे हैं, लगा अगर कुछ निकल जाए यहाँ से. दैट इज सो थॉटफुल, इसे हटा देते हैं. मनी इज लाइक कि हम सारी साड़ी को ऐसे नीचे से क्यों लेके जा रहे हैं, ऊपर से क्यों नहीं लेके जा रहे जैसे नॉर्मल ब्लाउजेस में करते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आई गेस ये भी अच्छा लग रहा है, बट अगर मैंने कुछ डिफरेंट और यूनिक और स्टाइलिश पहना हुआ तो मैं उसे दिखाना चाहूँगी ना. तो हम इसको भी एक बार अंदर से लेकर जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कोई बात नहीं एंड आई एम रेडी. ये वाला इतना ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट और इतना ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा महंगा भी पड़ा है, ये 1200 के अराउंड है, बट मैं कह रही हूँ फुल ऑन पैसा वसूल, क्योंकि इसको तुम और भी वेज में एंड डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज के साथ भी चला सकते हो, नॉट जस्ट दिस साड़ी. इमेजिन तुम इस पोंचो को किसी एक प्लेन ब्लैक ड्रेस या फिर एक प्लेन ब्लैक गाउन के कंफ्यूजिंग हो गया लाइक दिस, ये ड्रेस के साथ भी बहुत ही ज़्यादा क्लासी और एलिगेंट लग रहा है. मेरे को लग रहा है अभी विंटर्स में तो बहुत ही प्रिटी लगने वाला है, समर्स में भी चल जाएगा वैसे ही, बट अगेन सच अ रॉयल क्लासी लुक, एकदम से यू नो फील लुक सब बदल गई. अदरवाइज ये ऐसे लग रही थी ड्रेस, लाइक बिल्कुल ऐसे प्लेन मैश बॉडीकॉन. और वाओ, एक्सेसराइजेशन में कह रही हूँ ना, ये बहुत जगह चलने वाला है. ये वाली साड़ी मैंने आलिया भट्ट वाली यू नो वीडियो में पहनी थी, ऑब्वियसली ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड वाली साड़ी ही है. ये मैंने तब पहनी थी, एक सेकंड में फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, ये उल्टी है. ये साड़ी मैंने तब ब्लू ब्लाउज के साथ पहनी थी, वैसे एक वाइट कैमी टॉप के साथ भी जा सकती है, बट कितनी बार चलो मैं हूँ तैयार, इतनी जल्दी जल्दी साड़ी पहन रही हूँ मैं आज. ओके, ये है हमारा आज का पोंचो एंड ब्लाउज. मनी इज ऑलवेज हियर बिहाइंड द कैमरा, बेचारा कोने में खड़ा होता है कि बस मेरे पैर ना आ जाए हाथ ना. मेरे को तो ऑलरेडी सुंदर लग रहा है, प्रिंसेस जैस्मिन वाली वाइब आ रही है, मेरे को परी अब ऐसे बनने में ना. देखो मैं तो दोबारा कह रही हूँ कि अभी तो हमारे पास जो भी बेस्ट अवेलेबल साड़ियाँ हल्का फुल्का कोई भी कलर मैच कर रहा है मैं उसके साथ स्टाइल कर रही हूँ, लेकिन इमेजिन तुम प्लेन साड़ी के साथ पहन रहे हो कितना ही मस्त और एकदम से स्टैंड आउट करेगा. अभी तो इसमें ये मिक्स हो गया है, साड़ी में जा रहा है ठीक है, बट एक प्लेन साड़ी के साथ ओ माय गॉड आई वांट टू स्टाइल दैट लेटर, लेकिन अभी इसके साथ भी कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. लाइक मैंने एक बेसिक वाइट कैमी टॉप पहना है एंड जो इसका कलर है ना, इट्स लाइक वेरी लाइट पिंक पीच कलर है या एंड यू नो व्हाट, ये वाला अभी तक का सबसे सस्ता है, ये 383 रुपीज का पड़ा है मेरे को. मैं बता रही हूँ आजकल ब्लाउज सिलवाने के रेट भी इतने ज़्यादा महंगे, एक तो पहले कपड़ा लेकर आओ वो महंगा, उसके बाद सिलवाने तो वो महंगा, तो कांट डू दैट. एंड इसमें तो तुम्हें एम्ब्रॉयडरी वर्क सीक्वेंस सब मिल रहा है. वैसे इस साड़ी में कुछ है नहीं, जस्ट द कलर्स, ये भी काइंड ऑफ प्लेन ही है, तो यू गेट द आइडिया, तुम्हें ज़्यादा साड़ी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस जस्ट कि ब्लाउज पहनो मस्त मस्त सुंदर सुंदर और एकदम से वाइब बदल जाती है यार. इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं लग रहा कि ओ अभी खुल जाएगा, हल्का है. नेट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, चुभ नहीं रहा है, यही तो चाहिए, अच्छे से एंजॉय कर पाए हम. अभी हमने इतनी सारी साड़ीज कर लिया तो आई एम थिंकिंग कि अपनी खुद की एक ड्रेस बनाते, तो ऑलरेडी मेरे पास एक प्लेन ड्रेस तो है, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे ब्लिंगी बनाने के लिए मैंने ऊपर अपना ऐसे टॉप पहना है जो कि मैंने ज़्यादा पहना नहीं है एंड थोड़ा सा फुल स्लीव्स भी आ गई है. वैसे ये ऑलरेडी एज इट इज भी बहुत प्रिटी लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपना पोंचो तो ऐड करेंगे ही. ये वाला कुछ डिफरेंट लुकिंग है, ये ब्लैक कलर में है एंड इस पे सिल्वर सीक्वेंस लगे हुए हैं. यस अगेन ये इनके कोई साइजेस नहीं है, ये सारे फ्री साइज है. ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई कॉलर है एंड ये प्रॉपर जा रहा है इसके साथ. इनफैक्ट जो ये ट्विंकल ट्विंकल है ये अंदर वाली स्पार्कली के साथ पूरा कैमोफ्लाज कर रहा है, तो कुछ भी ऐसे अलग नहीं लग रहा है. आई जस्ट क्रिएटेड दिस आउटफिट इन माई हेड एंड आई एम ग्लैड कि अच्छा निकल कर आया, हमेशा ऐसा नहीं होता है. ये 26 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को, ऐसे ही बहुत ही कैजुअल लग रहा था
एंड अगेन एकदम से पार्टी वेयर हो गया एकदम से हम जस्ट बात पलट देते हैं, चार चांद लगा देते हैं, वही तो हमारा काम है। पीछे से ही कुछ इस तरीके से लग रहा है, आई लव द नेक डिटेलिंग, बिल्कुल ही ऐसे नेकलेस छोड़ो, ये अलग ही ले गया है, कहीं और ही ले गया, और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तुम साड़ी के साथ भी पहन सकते हो उसको, याद है ना। अब हम थोड़ी सी प्लेन साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे कुछ ज्यादा नॉट सो प्लेन है क्योंकि हल्का सा तो शाइन आ ही रहा है इसमें। वी हैव अ वाइट पोंचो जिसपे ऐसे मस्त गोल्डन डिटेलिंग दे रखे। ये वाला भी थोड़ा सा अफोर्डेबल है, 350 रुपए का। ऑल्सो मैंने फोटो देखी, इन्होंने थोड़े डिफरेंट तरीके से पहन रखा था ये वाला पोंचो। ये कुछ एक सेकंड, इतना इजी काम भी नहीं होता मेरे, थैंक यू मन्ने। तो बेसिकली जैसे केप नहीं पहनते उस तरीके से पहना हुआ इन्होंने, तो ये भी कर सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट यू नो आगे पीछे रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, दैट्स गुड। कि ऐसे तो पहन ही सकते हो यू नो, लेकिन मेरा गला छिल गया। एंड इसके साथ हमने बिल्कुल ही एक प्लेन कॉन्ट्रास्ट में साड़ी पहनी। ओ माय गॉड, मैं हूँ बिल्कुल ही तैयार, ऐसे डे फंक्शन में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगने वाला है यार। वैसे तुम रात को ही पहनते तो कोई तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, नोबडी इज मेकिंग द रूल्स बेसिकली। एंड ये 350 में तो इसने बिल्कुल ही मस्त, इसने पूरे पैसे वसूल कर दिए, मैं बता रही हूँ। इवन विद अ प्लेन बेसिक साड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। सी दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसी में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, डिज़ाइन इतना तगड़ा है कि मतलब ज़रूरत ही नहीं है और 10 चीज़ें करने की। बाल भी खुले अच्छे लग रहे हैं, बस हल्की फुल्की बैंगल्स बैग, यू आर रेडी। ये पीछे से अब इस तरीके से दिख रहा है, लाइक पूरा ही कवर हो गया है। ये मेन मकसद है कपड़े बदलने का, कि हम इसको विंटर में कैसे स्टाइल करेंगे वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। आई गेस एक्चुअली में विंटर्स में वो वुलन वाले पोंचो तो आते ही हैं, क्यों ना हम मैश वाले पोंचो पहने इस बार। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही क्रेजी उमदा लग रहा है, लाइक इट्स सो 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 प्रिटी। एंड वाइट के ऊपर ऐसे शीयर वाला थिंग और अमेजिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसके साथ ही कुछ अटैच सी चीज है, इसी पे ऐसे यू नो वर्क हो रखा है इस प्लेन सी थिंग पे। फेस्टिव चीयर वाइब आ गई है, आई गेस क्रिसमस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज ये कितना प्लेन लग रहा था, वाइट एंड रेड एकदम से ऐसे ब्लिंगी ब्लिंगी सी थिंग आ गई है। मस्त, तुम बाहर पहन के जा सकते हो यार, एंड इट्स टू कम्फी, सब कुछ कवर्ड भी है तो तुम्हें ठंड भी नहीं लगने वाली। हमारे पास एक और ब्लैक पोंचो, एंड इसे देखते ही पता चल रहा है कि भाई साहब इसमें कितना ही ज्यादा बड़ा एंड यू नो एक्सटेंसिव वर्क करा हुआ है। एंड ये थोड़ा सा महंगा है, ये 1000 रुपए का पड़ा है मेरे को। देखो हमें पता तो है कि इसको हम ऐसे प्लेन ब्लैक साड़ी के साथ तो पहन ही सकते हैं, वैसे सिल्वर साड़ी के साथ भी चला जाएगा, लेकिन अब इसको एक बिल्कुल ही बेसिक प्लेन ब्लैक आउटफिट के साथ पहन के देखते हैं कि कैसा लगेगा। अगर मन्नी ने मेरे को पहना दिया होता है 5 hours later, ओह हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है एज इट इज भी, लाइक मस्त हो, सनग्लासेस वगैरह पहन सकते हो। आई लव दीज थिंग्स, मतलब एक बार इन्वेस्ट करो एंड तुम इसे इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न इंडियन मिक्स मैच 10 चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अभी मेरा लुक खत्म नहीं हुआ है, अभी विंटर्स भी आ गए हैं ना, लेदर जैकेट पहनते हैं, फॉल लेदर जैकेट, थैंक यू मन्नी। मेरे को तो मस्त ही लग रहा है वो। विडान विडान मन्नी को साइड से दिख रहा है, मुझे सामने सामने नहीं दिख रहा। गुड जॉब मन्नी, गुड जॉब। बट यू कैन सी एकदम से एलिवेट हो गया, बेसिक प्लेन ब्लैक लुक। तुम कोई भी जैकेट ले सकते हो, बेसिक मैंने कैमे टॉप पहना हुआ है एंड फॉल लेदर पैंट्स, तुम जीन्स भी पहन सकते हो। अमेजिंग लग रहा है, जैसे एक बैग कैरी करना है, तुम विंटर रेडी हो यार। बट यू कैन क्रिएट सो मेनी लुक्स विद इट यार, दैट्स द होल पॉइंट। ऐसे पैसे वसूल करने में मजा आता है मेरे को। आज इस वीडियो से ये प्रूफ होता है कि हम अपने पुराने कपड़ों को कैसे नया और यू नो डिफरेंट बना सकते हैं, एंड एक चीज को कैसे 10 ways में स्टाइल कर सकते हैं, हमेशा एक यूनिक चीज निकल कर आने वाली है। तो मेरे को तो बहुत ही मजा आया इन पोंचोस को, ब्लाउजेस को डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल करने में, एंड एक्चुअली में देखने में कि ये रियल लाइफ में वर्क कर भी रहे हैं या नहीं, जो कि इन्होंने किया है बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस कल लगे मुझे। तो तुम मुझे बता कि तुम्हारा फेवरेट पोंचो स्लैश ब्लाउज कौन सा था आज के वीडियो में से इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अगर और भी कोई अतरंगी चीज है जो विच यू वांट मी टू ट्राई, आई विल डू दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो जो विच आई हर्ड दैट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय।